गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को अपना फुल डे का ब्लॉग दिखाऊंगी, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। रोज़ का तो खैर मेरा अलग ही अलग रहता है, इसलिए सेम डे एक जैसा नहीं रहता है। काम आज वर्किंग डे है, मंडे है, क्लास रहेगा मेरा, तो शाम को स्टूडेंट्स वगैरह भी आएंगे। तो अभी तो मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह। आप लोग सोचते होंगे कि मैडम के घर कोई सर्वेंट होगा, कोई नहीं है, सब हम हाथ से ही करते हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और बच्चे उस रूम में सो रहे हैं अभी, और अभी सुबह के बज गए हैं 8, है ना। मैं अभी अपना जो सुबह का काम है वो सब निपटा के आई हूँ नीचे। अभी मैं यहाँ झाड़ू पोछा करूँगी। ये मेरा ही रूम है दोस्तों, देखो यहाँ मैं सोती हूँ। ये मेरी पेंटिंग्स वगैरह सब लगी हुई हैं वॉल पे, है ना। यहाँ मैंने अपना स्टूडियो करके रखा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे अपने प्रॉपर वीडियो शूट करती हूँ मैं। और ये जो आपको पेंटिंग साइन कर रही है ना, ये जो पेंटिंग दिख रही है ये दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अभी एक दो दिन में ये चली जाएगी, क्योंकि ऑर्डर पे बनाई थी। तो यही सब है, देखो ये मेरा पूरा रूम है दोस्तों, है ना। अभी लगाने वाली हूँ मैं झाड़ू, तो देखिए आप कैसे लगाती हूँ झाड़ू। खैर मजाक कर रही हूँ, झाड़ू तो झाड़ू है, सब एक जैसे ही लगाते हैं। तो चलिए, है ना। ये सो रहे हैं दोनों बच्चे हमारे। रूम की हालत देखो क्या करके रखी है इन लोगों ने, पूरा फैला के रखा हुआ है, खास तौर से मिट्टी। गुड मॉर्निंग गाइस, उठ गई है मिस्टी हमारी शोकर, है ना मिस्टी? हाँ। तो मम्मी सुबह सुबह से व्लॉग शूट करने लगी है, मेरी हालत देखो आप। अब मैं जल्दी से जाकर ब्रश करने वाली हूँ और फिर दूध पीऊंगी। मेरी पागल दीदी सो रही है, तो अब उनको टाइम का तो कोई ख्याल ही नहीं है उनको, इसलिए अब मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी हो गई है। मिस्टी का ब्रश हो रहा है आपका, है ना मिस्टी? ब्रश तो ऊपर है। तो जाओ टेरेस वाले बाथरूम में जाओ, वहाँ जाके करो, ये नल बंद करो। तो दोस्तों देखो ये रूम हो गया हमारा चकाचक बिल्कुल, हमने पूरा साफ कर दिया है इसको। ये मेरी जगह है जहाँ बैठ के मैं वीडियो शूट करती हूँ, ये ब्लॉग्स वगैरह जो भी पेंटिंग वगैरह के वीडियो हैं उसी के लिए लाइट है। और यहाँ गाइस मेरी मम्मी है ना, ये वाली इसने मम्मी ने बनवाई है, ये वाली मम्मी ने रिंग लाइट खरीदी थी, जस्ट वो लाइट अच्छी आती है। और ये ऊपर देखो, ऊपर भी मम्मी ने लाइट लगवाई है ताकि लाइट अच्छी आए। तो दोस्तों सुन लिया मिस्टी क्या कह रही हैं। मिस्टी ये बता रही है कि ये टेम्प्ररी लाइट बनाई गई है, क्योंकि ये मुझे ड्राइंग के बूट, हाँ ड्राइंग के, हाँ मैं बताती हूँ। ये है ना, क्या है कि मम्मी ने गमले वाला बनवाया वुड से, ओके, और फिर अंदर लगवा दी लाइट, ठीक है, ऊपर से बटर पेपर लगवा दिए जैसे नॉर्मल लाइट है ना, ये ऊपर वहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा सा बटर पेपर लगवा दिया। इससे क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आता है। और ये मेरी मतलब जुगाड़ू वाली लाइट बन चुकी है दोस्तों, ये देखिए, है ना। तो इससे मेरे प्रॉपर होल्डिंग भी यूज करती हैं। हाँ तो ये सब मटेरियल रखना होता है। और इस अलमारी में मेरा पूरा ड्राइंग का सामान है, है ना। और ये देखो कमरा पूरा, और ये मेरी बहुत सारी पेंटिंग, अलग अलग टाइप के आर्ट हैं। हाँ और ये मम्मी का ये वाला वो, ठीक है, ये मम्मी का ये वाला ट्राइपॉड, ठीक है। तो ये मम्मी ने आर्ट पेंटिंग बनाई थी, इसका नाम भूल गई, ठीक है, ये कृष्ण जी की है। और ये मम्मी ने एक्रेलिक पेंट से बनाई थी,
आपने मेरा वीडियो देखो मंजूस क्रिएशन ब्लॉग पर, मेरा एक वीडियो है जिस पर सारे मतलब जितनी भी पेंटिंग्स है सारी बताई है मैंने। बहुत पुराना वीडियो हो चुका है वो, अब भी बता देती हूँ आपको जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी। सो ये मम्मी ने एक्रेलिक पेंट से बनाई, गाइस ये नाइफ से बनी हुई है एक्रेलिक पेंट, जानते हो गए आप लोग क्योंकि मेरी मम्मी के वीडियोस से डलता ही रहता है। नेक्स्ट है ज्वेलरी, ज्वेलरी आर्ट है ये। मैं तो वैसे इसको ज्वेलरी बोलती हूँ इसलिए ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी कहती हूँ मैं इसको, कुछ कुछ लोग ना ज्वेलरी कहते हैं। दिस इज ऑयल पेंटिंग, ये मीरा जी हैं और ये कौन है मम्मी बताओ कौन है? मुझे कृष्ण जी, कृष्ण जी इतना सा ज्ञान नहीं है। नहीं है, ये है पर्शियन आर्ट, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पर्शियन आर्ट है, इसका नाम मैं हमेशा नहीं भूलती। ये मम्मी ने दोनों कलर पेंसिल से बनाई थी। और दिस इज लिप्पन आर्ट, एक क्ले से बनता है, फैब्रिक क्ले जो आती है उससे बनता है और इसमें बहुत सारे कांच के स्टोन्स लगाए जाते हैं। हाय गाइस, ये मेरी अलमारी है, इसको खोल के नहीं दिखा सकती, बस मैं राख खोल के दिखा सकती हूँ क्योंकि इससे कोई ज़रूरत की सामान नहीं है। बट अभी मैं ये दोनों चीज़ें नहीं खोल सकती हूँ, ना को मेरा सीक्रेट पता चल जाए कि मैं अपनी अलमारी कैसे रखती हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती है मिष्टि, अपनी अलमारी को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती है। नीचे से देख के देख लो कि नीचे देख लो आप, ये अरे निकल गया, ये देखो मिष्टि के कपड़े झांक रहे हैं मेरे कपड़े झांक रहे हैं, ये देखो। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं टेरेस पर, ठीक है, तो ये ये मिष्टि क्योंकि हमें बता दें आपको कि जो अपनी टेरेस है वहां पर हमने अपना जो वो है ना क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हमने जब होम टूर करवाई थी तो आपको अपनी टेरेस भी दिखाई थी, दिवाली के टाइम करवाया था हमने, बहुत मजा आया था दिवाली के टाइम, दिवाली का ब्लॉग भी शूट हुआ था। चलो अभी भी आपको दिखा देते हैं, अभी टेरेस हमारी थोड़ी सी खराब हो रही है। सो ये प्लांट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स। तो मिष्टि आ गई है यहाँ पर ब्रश करने के लिए टेरेस पर, यहाँ ये हम लोग का वॉशिंग एरिया है दोस्तों, यहाँ पर आधे मतलब छत में हम लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह भी धोते हैं, यहाँ पे लेट बाथ भी है, यहाँ साइड में हमने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, देखिए आप मनी प्लांट्स, हाँ जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो हमने यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं ताकि शेड में रहें ये, है ना। और फिर चलिए तो आपको यहाँ का दिखा देते हैं, ये पूरा ये वैसे बड़ा ही प्यारा लगता है वैसे, ये देखो ये पूरे में मैंने प्लांट्स ही प्लांट्स लगाए हैं, ऐसे इनके रैक बनवा के रखे थे तो उस पर ये रखे हुए हैं, ये कूलर का था तो उसका यूज कर लिया दोस्तों मैंने, और ये ऊपर भी हैं प्लांट्स देखिए आप लोग, है ना। और बहुत सारे हमारे यहाँ पूजनीय वृक्ष भी लगे हैं, वृक्ष मतलब है तो वो वृक्ष ही लेकिन हमने टी उसमें लगा रखे हैं, तो ये देखिए रुद्राक्ष का पेड़ है जो हमने अपने घर में लगा रखा है, और एक सेकंड बेटा एक सेकंड, और ये समी है, ये देखिए आप ये समी है आपको दिख रही होगी, और इसके अलावा हमने बेलपत्री भी लगा रखा है अपने घर में, ये बेलपत्र है देखो आप लोग। और चलो तो और कौन सा है बेटा, एक मिनट रुको, हाँ ये केले का है, यहाँ हम लोग पूजा वगैरह भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं भगवान को, और इस साइड देखो ये देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं पेड़, और कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखिए गुलाब ही गुलाब है यहाँ पर, ये वाइट है, कौन सा पेड़ है मम्मी? ये है सदाबहार, है ना। सुनो मम्मी अपने घर में मीठी नीम लगी है, मीठी नीम बेटा पूरी उग नहीं रही है अपने यहाँ ज़्यादा, वो मीठी नीम का तो ऐसे ही होता है यार, ढंग से पेड़ लगता नहीं है। और ये अपराजिता है जिसमें अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ये देखिए कितना बड़ा हो रहा है अपराजिता, है ना, ये है। और ये हाँ यहाँ से मिष्टि चढ़ती है ऊपर टीन शेड पर, है ना,
और ये जो है ये मैंने कल ही बताया था कि ये जुगाड़ू पाइप पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें हल्का हल्का पेंट कर दिया, लेकिन ये अब ख़राब हो चुका है क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने किया था, तो अब वो अच्छा नहीं है। देखो फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखो ये कनेर है। हाँ तो दोस्तों आपने देख लिया होगा हमारा टेरिस, और ये छोटी सी तुलसी जी, कुल्फी 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 नहीं तुलसी, मिस्टी ब्रश रखे तो बोल रही कुल्फी कुल्फी। तो ये देखो दोस्तों है ना, ये मम्मी पूजा करती है यहाँ पर। कुछ औषधियाँ भी हमारे यहाँ लगी हैं, जैसे ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा की पत्तियाँ रोज मेरी माँ को देती हूँ मैं, क्योंकि इसका मम्मी मेरी हेल्दी हैं बहुत, तो उनके लिए है ये, मतलब डेली इससे उनका क्या कहते हैं जो एक्स्ट्रा चर्बी रहती है ना वो इससे रिड्यूस होती है। हाँ एक्स्ट्रा फैट्स रहता है, ठीक है मिस्टी। मैंने अभी इसलिए मम्मी से पूछा कि मेथी नहीं लगने हाँ, हो रही है, और हमारे यहाँ देखो जो मैम है ना उनको चाहिए घर पे, जो दादी मंगा रही है। हाँ ठीक है, इतनी नहीं है बेटा अपने। ये देखो कड़वी नीम भी हमने लगा के रखी हुई है घर में, ये चंपा है, और ये बहुत सारे पेड़ हैं, ये बोगेनवेलिया है, बहुत सारे हैं। तो जो मैंने बताया अश्वगंधा, और हाँ अमर बेल जो होती है ना गिलोय बोलते हैं, ग्लोए भी देखो अब आने वाली है, बहुत सारी लगी हुई है, पत्ते आने वाले हैं ग्लोए में, तो ग्लोए और ये अश्वगंधा के पत्ते मम्मी खाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, अब भी बोलेंगी क्योंकि मैं ब्रश कर रही हूँ। कोपचा उपचा कुछ नहीं है, ये आगे शेड लगा हुआ है, वो लगी है रेलिंग, ये वहाँ पे जाते हैं ना तो ये छुप जाती है, मैं जब ऊपर आती हूँ तो उसको कोपचा बोल रही हूँ। ब्रश हो चुका है मेरा, अब जल्दी जाके तो लगा लूंगी। और फिर देखो गाइस मेरी मम्मी बाल्टी दे रही है, बाल्टी है, और ये दे रही है मम्मी पानी। मैं पागल हो गई। ये मिस्टी को भी लग रहा है शौक, मिस्टी भी दे रही है पेड़ों में पानी। मिस्टी थोड़ा थोड़ा बेटा, पेड़ खराब हो जाएंगे नहीं तो। दो मुझे, मैं काट रही हूँ, तो ऐसे नहीं और फूल टूट जाएंगे बेटा, रुको रुको रुको। देखो दोस्तों ये हम अपने भगवान जी के लिए फूल काट रहे हैं। हाँ। और मैंने आधे पहले से ही तोड़ चुकी हूँ। ये पकड़ो बेटा। हाँ। चलो चलो गाइस अब मैं दूसरी जगह लेके जाती हूँ, ये वाले फूल काटो। काटना नहीं, वो ऐसे ही टूट जाएंगे। देखो इसको इस तरह, ये कनेर है दोस्तों, देखो पिंक कलर का कनेर है बेटा, ज्यादा नहीं तोड़ना, बस उतने ही चढ़ाना है। ये क्या करती है मिस्टी, बहुत सारे फूल तोड़ देती है, और मैं नहीं चाहती बहुत सारे फूल टूटे क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तोड़ सकते हैं मम्मी आज। हाँ सोमवार है, तोड़ सकते हैं, तोड़ लो। गाइस ये मैंने भगवान जी के लिए फूल काट दिए सही, और अब मैं यहाँ की बात पाठ करूंगी, तब मैं इसको थोड़े से फूल चढ़ा दूंगी। वो दादी की बात मेरी हमेशा की आदत है, कल से मम्मी ने डलवाई है कि दहाने के बाद जल चढ़ाओ, जल इसमें मैं जल चढ़ाती हूँ। किस किस को और जल दिखाती हूँ, इनको शंकर जी को, और ये जो सूर्य भगवान को, ठीक है, और तुलसी जी को, ठीक है। इसके बाद में नहाने के बाद भगवान जी का पाठ करती हूँ, कौन से गेस करो। गेस करने का आपको हिंट देती हूँ, राम जी को जिसने किसने बचाया था सीता जी में, लंका ने किसने आग लगाई थी, वो भगवान मैं उनका पाठ करती हूँ। अब वो लास्ट में 40 है, आपको बता दे कौन सा है वो। हिंट मैंने दे दिया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, एंड दूध पीने जा रही हूँ भाई। गाइस मैं आपको एक गाना वो सुना रही हूँ, आप सुन के कमेंट करके बताना ये कौन सा है। मैंने दो चीज़ों को बोला था, एक राम जी के बारे में और ये पार्ट के बारे में, और एक और गाना गेस करके आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। सो लेट्स गो, कौन सा था, 1 2 3 4 पागल है पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसे दीवाना सबको, ओ शिनचैन मेरा नाम भी शिनचैन है,
मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली सोनी। कम ऑन बेबी आओ कर डांस शुरू, जोर से धूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो, अरे देखो तुमको मिला दूं। कैसा लगा सॉन्ग? और आपको कमेंट करके बताना है किसका सॉन्ग, कौन से कार्टून का। ओके, तो मैं तुमके यहाँ जा रही हूँ बिना, वहाँ पर ना मेरी जो नानी है उनके भाई है वहाँ पर, मेरे आई थिंक मेरी नानी का मायका है उधर, तभी जल्दी से रेडी होंगी। पार्ट तो छोड़ो अभी नहीं कर पाऊंगी मैं। कुश्ती का डब्बा खोल हो गया। एक्चुअली आज मेरी माँ है ना, मेरे मामा मेरे नाना जी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको देखने जा रही हैं दोस्तों, तो वो तैयार हो रही हैं अभी, तो वो कह रही मैं मिष्टी को भी लेके जा रही हूँ। बीना बिल्कुल एक घंटे का डिफरेंस है विदिशा से, बीना तो कार से जा रही है भैया के साथ, तो मिष्टी को भी लेके जा रही है, तो मिष्टी बोल रही है बैग में सामान कुछ भी नहीं रखना है, शाम को आप वापस बस। गाइस आपको मैं एक सीक्रेट बता दूं कि जो मेरा बैग है ना, अभी मैं ना खेल रही थी, मैं दो दिन से वही गेम खेल रही हूँ गोवा जाने का, तो मैंने ना वापस आया बैग पैकिंग सब रखा हुआ, मैं ऊपर से ना आपको दिखाऊंगी ठीक है। तो मिष्टी की तो बकवास है, फालतू की चीजें पहचाने। अब मिष्टी मम्मी तो जा रही हैं, तब खाने का मैं देखती हूँ क्या बनाना क्या नहीं, पापा तो घर में रहेंगे, शाम को मेरे लिए रख देना। हाँ ठीक है। तो देखो दोस्तों मेरी माँ पूजा कर रही है, माँ आप कुछ बोलोगी? हाँ बेटा, राधे 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 सब दोस्तों को। मैं जल्दी जल्दी पूजन कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने मायके जाना है। तो ये मम्मी लड्डू गोपाल जी को अभी तैयार कर रही हैं, मम्मी पूजा करके जा रही हैं, वरना मम्मी तो खा फिर अभी खाना बनाने में मेरी हेल्प करती हैं। तो ये हमारे सब भगवान जी बैठे हैं, लेकिन अभी मम्मी को अचानक से प्रोग्राम बना ना। हाँ अचानक से प्रोग्राम बना, तो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस पहनते कृष्ण भगवान। हाँ ये लड्डू गोपाल जी को देखो, मम्मी कितने अच्छे से तैयार कर रही है हमारे लड्डू गोपाल जी, उनकी उनको माला पहनाती है, उन्होंने पूरा पूजा करती थी पहले, बट मम्मा नहीं करती, पहले बहुत करती थी पूजा। अच्छा पहले बहुत करती थी। हाँ जब मैं भगवान को लहलाती भी थी वो पहले बहुत टाइम लग जाता था बट मुझे करने में। हाँ ये लड्डू गोपाल जी को आसन दे दिया, ये बैठ गए। चलिए अभी मैं जाती हूँ नहाने। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ नहा कर, अब मैं जा रही हूँ पूजा करूंगी और खाना बनाऊंगी। मम्मी तो जा चुकी हैं, जब मैं नहाने गई तो मम्मी निकल चुकी थी दोस्तों, तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में और पहले पापा के लिए खाना बना दूँ, क्योंकि मम्मी नहीं होती तो बहुत परेशान हो जाऊंगी मैं, मुझे मालूम है। और तो पहले मैं पापा को खाना बनाऊंगी फिर मैं पूजा करूंगी। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ किचन में, सबसे पहले मैं लगाऊंगी आटा ताकि वो गल जाए, फिर मैं सब्जियां काटूंगी। तो दोस्तों मैंने आटा ले लिया, अब मैं इसको गूंथ लेती हूँ। तो दोस्तों ये आटा हमारा लग चुका है, अब मैं शिमला मिर्ची कट कर रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो दोस्तों देखो ये मैंने आलू शिमला मिर्च काट लिए हैं और यहाँ पे टमाटर काट लिए हैं, तो एक मैं टमाटर की सब्जी बना रही हूँ और एक मैं आलू शिमला सूखे दोनों सूखी बना रही हूँ, ये दो कढ़ाई मैंने रख ली है। तो दोस्तों देखो ये तेल गरम हो चुका है, पहले मैंने राई डाल ली, थोड़ा सा जीरा डाल लिया और अभी डाल रही हूँ मैं हींग, और मैं सिंपल ही सब्जी बना रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ आलू और शिमला। अभी अब इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च, पिसा धनिया, डाला थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, कवर कर दूंगी इससे। अभी मैं ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल रही हूँ मैं राई, थोड़ा सा जीरा, फिर वो यही और टमाटर डाल दूंगी मैं, डाल रही हूँ धनिया पाउडर,
थोड़ा सा हल्दी और मिर्च मैं नहीं डाली क्योंकि पापा मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं, ठीक है। और नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, दोस्तों देखो हमारी ये सब्जी तैयार हो चुकी है, आलू शिमला मिर्च का। और यहाँ पर ये टमाटर की सब्जी भी हो गई है तैयार, निकाल लिए बाहर। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, ये चकला बेलन और ये आटा। दोस्तों मेरी सारी रोटियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं और अब बस मैं यहाँ साफ सफाई करूँगी और मैं जाती हूँ पाठ करने। तो दोस्तों मेरा पाठ हो चुका है, भगवान की पूजा हो चुकी है, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना खाने के लिए। अब मैं भोजन करूंगी, पापा खा चुके हैं, राधिका के मन की सब्जी नहीं बनी है तो उनका दिमाग खराब हो रहा, देखते हैं उनके लिए मुझे क्या करना है। पहले मैं खा लूंगी क्योंकि मुझे बहुत कस के भूख लग रही है, 12 बज चुके हैं दोस्तों और मम्मी तो है नहीं है इसलिए बहुत प्रॉब्लम गई है, लेकिन मैंने सारा काम कर लिया। मम्मी होती है तो बहुत कुछ हेल्प हो जाती है हमारी। तो दोस्तों अब मैं करने बैठी हूँ भोजन। दोस्तों मैंने किचन भी देखो पूरा साफ कर दिया है, है ना, ये सब जमा दिया है बढ़िया, गैस वैस सब क्लीन करके। ये दूध की तवेलियां रखी हुई हैं, दूध रखा हुआ है। सोचा था दोस्तों पूरे दिन का ब्लॉग आप लोग के साथ शूट करूंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैंने अपना जो फुल डे का ब्लॉग है बहुत दिनों से नहीं डाला, वही प्रिया रोहन और बहुत से लोगों पे मेरे रिएक्शन वीडियो चल रहे थे। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं मैम कि ये दुनिया है ना बहुत बेकार है दोस्तों, सच बता रहे। आज मैंने इतना रो लिया, मेरी आंखें देख रहे हो गए आप कि बहुत ज़्यादा सूज चुकी हैं। इंसान है ना अपन को उस चीज़ का एहसास दिलाता है जो अपन सोचना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में वो चीज़ भूलना चाहते हैं, और इंसान है ना उस चीज़ का आपको एहसास दिलाता है कि नहीं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी गलती कहाँ होती है, मतलब एक आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा वैसे कल, मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्लॉग आपको सुबह मिलेगा मेरा, क्योंकि पूरे दिन का मैं शूट करी सुबह से, बड़ी खुश थी मैं अपना सब कुछ करके। मैंने सोचा आज पूरा दिन का मैं ब्लॉग शूट करके अपने YouTube फैमिली को दिखाऊंगी, तो बीच में ऐसा कमेंट आ गया और मेरा तो, मैं सच बताऊँ मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझसे किसी का दुख भी नहीं देखा जाता है, मैं सच बता रही हूँ, जरा मैं इमोशंस में बह जाती हूँ। और रहा आप लोग को एक बात और बता दूँ मैं कि रहा प्रिया रोहन के चैनल का, मैंने आजकल रिएक्शन वीडियो बनाना शुरू करे हैं कि मैं सभी पे, ऐसा नहीं सिर्फ प्रिया रोहन पे, मुझे खुशी का दिखा, मुझे गोरखपुरिया गुड़िया गोरखपुरिया का और बहुत से ये सावित्री दीदी का और भी लोगों पे मैंने बनाए, विजय रिया पर भी बनाए, वो मेरे चैनल पे जाके देखो आप, मैंने सबके ऊपर रिएक्शन वीडियो डाला है क्योंकि लोगों को मेरे रिएक्शन वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं बजाय ब्लॉगिंग के, है ना, कि उन्होंने यही बोला कि दीदी आप बिल्कुल सही बोलती हो जो भी बोलती हो, तो मुझे अच्छा लगता है और उस चीज़ से हम मोटिवेट होते हैं क्योंकि हम चैनल लेके बैठे हैं तो हमको भी लगता है कि कुछ ऐसा लेकर आओ कि लोग उससे सीखें, उससे कुछ शिक्षा लें उनको। लेकिन इस तरीके के कमेंट्स, और प्रिया रोहन का तो देखो 99% लोगों ने जान लिया है कि वो फेक थे, और मैंने उन्हें कभी गलत वर्ड नहीं बोला, मैं आपको ये बता दूँ सिंगल गलत वर्ड नहीं बोला, जो चीज़ दिखी उस पर ही रिएक्शन दिया, लेकिन कभी गाली गलौज और ये सब तो मेरे संस्कार में ही नहीं यार, मैं किसी को इस तरीके के वर्ड बोल सकूँ, मैं इन सब चीज़ों के बल्कि अपोज में रहती हूँ। मैंने तो जब लाइव अभी गोरखपुरिया भौजी का चला था, मैं मेन स्क्रीन पे थी, तब मैंने उनसे यही बोला था कि अपन को ये सब ऐसी मुहिम चलाना है कि जो अश्लील वीडियो बन रहे हैं इस तरीके का अपन लोगों को बंद करवाना है, तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं यार, हम तो किसी के लिए कुछ बोलते ही नहीं है, तो लोग इतना गंदा कैसे, मतलब गंदा तो चलो ठीक है गालियाँ भी दे रहे हो ना, वो चीज़ भी अपन लोग सहन कर लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गाली दे, क्योंकि वो आपके मुंह से निकली तो आपका मुंह गंदा हो रहा है, हम गंदे नहीं हो रहे। लेकिन आप इस तरीके का मुझे कमेंट करके लिख रहे हो कि विधवा है तो साज सिंगार करके आ जाती है, लिपस्टिक पाउडर बिंदी लगा के आ जाती है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार कि एक इंसान को वो चीज़ का एहसास क्यों दिलाना। और फिर मैंने तो यही बोला ना कि मैं विधवा कहाँ से हूँ मुझे बता दो यार, मेरा तो डाइवोर्स ही हो गया था, है ना, और उसके बाद मेरी दूसरी शादी भी हुई,
उस शादी में मुझे चीट किया गया। बाकायदा हमारी शादी हुई थी लेकिन चीट हुआ। आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, लेकिन ठीक है मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, मेरे दोनों बच्चों के पापा ख़त्म हो गए, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है यार, अब जैसा है अपना है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने मंगलसूत्र पहना। अपने आप मुझसे किसी ने कहा नहीं था, मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, मुझसे किसी ने नहीं कहा, ना मेरे माँ बाप ने, कोई ने नहीं कि ये सब मत पहनो, कुछ नहीं। मैंने अपने आप से ही सिंदूर लगाना छोड़ दिया, अपने आप से ही मैंने मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया, अपने आप से। और मैं तो खैर चूड़ी वूड़ी तो मैं शुरू से ही नहीं पहनती हूँ, मेरी आदत है कि मैं हाथ हमेशा मेरे खाली ही रहते हैं, जब भी आप देखोगे मेरे हाथ खाली मिलेंगे। और ये पैरों में भी आपको ये दिखा दूँ, मैं सिंगल, ये मेरे एक छल्ला पड़ा हुआ है, आपको दिखाऊंगी, ये सिर्फ छल्ला पड़ा हुआ है। और ये छल्ला मुझे, मैंने उतार दिया था लेकिन मेरी माँ ने मुझे फिर से पहना दिया कि बेटा ये मत उतारो, तुम बच्चे हैं तुम्हारे, और अपन हिंदुओं में बच्चे हैं कि जिस लेडी के, तो ये सब चीज़ें नहीं उतारते हैं, है ना। और मेरी माँ ने कभी मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, मतलब ये सब चीज़ों का तो कोई बात ही नहीं छिड़ी हमारे घर में, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कुछ बोला गया हो कि आपके हस्बैंड ख़त्म हो गए तो ये मत पहनो वो मत पहनो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब कमेंट आया ना, तो मुझ में, सच बता रही, मेरे छल छल आंसू गिरने लगे यार, मतलब मैं खुद से इतनी दुखी हो गई कि यार दुनिया कितनी कमीनी है यार, सच में आज गाली निकल रही है मेरे मुँह से कि अपन जो चीज़ सोचते नहीं है वो चीज़ बोल जाती है आके, है ना, कि मेकअप करके बैठ रही हूँ, विधवा हो। यार मैं सच बताऊँ, मुझसे तो लोग ये बोलते हैं कि तुम्हें तो कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो भगवान ने इतना अच्छा सब कुछ दिया हुआ है। सच बता रही, अभी भी आप लोग देखो मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लगा है, मैंने आज तो, और मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं बता नहीं सकती, मेरा बहुत दिमाग ख़राब होकर पड़ा है कि जो मैं इतने हुब से आज ब्लॉग बनाने के लिए आई थी ना, तो मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया। सच बता रही हूँ कि मैंने सोचा कि अब मुझे ब्लॉग नहीं, अब आखिरी में ये एंड कर रही हूँ, फिर मैं कभी फिर से पूरे दिन का ब्लॉग आपको शूट करके बताऊँगी कि सुबह से आज मम्मी भी नहीं है ना घर पे, नहीं मैं सच में आज, मतलब मुझे रोना आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, सोच सोच के मेरा दिमाग इतना ख़राब होके पड़ा हुआ है कि लोग बहुत गंदे हैं यार, सच में बहुत गंदे हैं, मतलब एक सच्चाई के साथ जो अपने चैनल पे उसको भी आप लोग गंदा बोल रहे हो, तो आप लोग मतलब फिर आप सोच क्या रखते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर दोस्तों, अब आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं फिर से आप लोगों को दोबारा से पूरा ब्लॉग शूट करूँगी फुल डे का, अच्छे मूड से बनाऊँगी, अच्छा सब कुछ दिखाऊँगी, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, और ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों।